नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेंट के बारे में। सम्मति क्या होती है, मतैक्य क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कंसेंट क्या होता है, सम्मति क्या होता है या मतैक्य क्या होता है, ठीक है। तो सम्मति को मतैक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सम्मति क्या होती है। चलिए अब हम आपको बोर्ड पर ले चलते हैं, साथ ही साथ लिखते भी हैं और आपको बताते भी हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 13 के अंतर्गत सम्मति या मतैक्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार ठीक है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सा है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि लिखित पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे भी एग्ज़ाम लिखी थी हो, तो आपको रिटेन ही लिखना है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 13 सेक्शन 13 के अंतर्गत सम्मति या मतैक्य, मतलब सम्मति या मतैक्य मतलब कंसेंट, ठीक है। तो सम्मति या मतैक्य को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 13 सेक्शन 13 के अनुसार, जब दो से अधिक व्यक्ति जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर और एक ही भाव में करार मतलब एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बारे में
यह कहा जाता है, यह कहा जाता है कि वे सम्मति या सहमत हुए। कंसेंट हुए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति हों तो दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर, कोई एक ही बात पर, ठीक है, और एक ही भाव में करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे सम्मति या सहमत हुए। इस प्रकार संविदा निर्माण के लिए, संविदा निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि संविदा के दोनों पक्षकार संविदा के दोनों पक्षकार, ठीक है। इस प्रकार संविदा निर्माण के लिए, किसके लिए, संविदा निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि संविदा के, कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षकार एक ही बात पर और एक ही भाव में, एक ही भाव में करार किए हों। करार मतलब एग्रीमेंट, किए हों। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से संविदा निर्माण के लिए, संविदा बनाने के लिए, संविदा निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षकार, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो एक दूसरे से सहमत होंगे, सम्मत होंगे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि संविदा निर्माण के लिए ये आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है कि संविदा के दोनों पक्षकार एक ही बात पर और एक ही भाव में एग्रीमेंट करते हैं, अर्थात अर्थात एक ही बात पर, एक ही बात पर एक ही भाव में मतैक्य या सहमत होना संविदा निर्माण के लिए आवश्यक है। समझ गया। तो अर्थात कहने का मतलब है कि एक ही बात पर और एक ही भाव में मतैक्य या सहमत होना, समझ गए, मतैक्य या सहमत होना संविदा निर्माण के लिए, किसके लिए,
संविधान निर्माण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार संविधान निर्माण के लिए वास्तविक सम्मति होनी चाहिए। समझ गए? मतलब कि संविधान निर्माण के लिए वास्तविक सम्मति जरूरी है। चलिए उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, का खा से, मतलब का और खा दो व्यक्ति हैं और का के पास कई घोड़े हैं और खा उन घोड़ों को या उन घोड़ों में से एक घोड़ा खरीदना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा, का खा से घोड़ा बेचने का, करार करते हैं। ठीक है, मतलब का खा से घोड़ा बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं। का समझता है, कि खा, उसके कई घोड़ों में से, मतलब यहाँ पर का जो है ये समझता है कि खा जो है उसके कई घोड़ों में से काला घोड़ा खरीदना चाहता है, ठीक है, मतलब का समझता है कि खा उसके कई घोड़ों में से काला घोड़ा खरीदना चाहता है, जबकि खा समझता है कि का अपने कई घोड़ों में से सफेद घोड़ा बेचना चाहता है। ठीक है, मतलब ये कि का और खा दो व्यक्ति हैं, का के पास बहुत सारे घोड़े हैं, खा का के कई घोड़ों में से एक घोड़ा खरीदना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा, का खा से घोड़ा बेचने का करार करता है, एग्रीमेंट करता है। का समझता है कि खा उसके कई घोड़ों में से काला घोड़ा खरीदना चाहता है, जबकि खा समझता है कि का अपने कई घोड़ों में से सफेद घोड़ा
बेचना चाहता है। यहां का तथा खा एक ही बात पर एक ही भाव में यहां पर का तथा खा एक ही बात पर और एक ही भाव में करार एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। समझ गए, मतलब यहां पर का तथा खा एक ही बात पर एक ही भाव में करार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए कि का समझता है कि काला घोड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन खा समझता है कि सफेद घोड़ा बेचना चाहता है। ठीक है, अतः यह कहा जाएगा कि उनमें संविदा के लिए सम्मति या सहमति नहीं थी। ठीक है, तो अतः ये कहा जाएगा कि उनमें संविदा के लिए सम्मति या सहमति नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।